जय हिंद स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? Prime number are those which divided by 1 and itself. What is a composite number? Composite number are those which divided by 1 and itself and another one number. For example, consider two number 5 and 10. 5 into 1. So 5 divided by 1 and 5. And 10 equals to 5 into 2 into 1. And 10 divided by 1, 2, 5 and 10. So, 10 is a composite number and 5 is a prime number. Let us consider x be any composite number. So, x is equals to p1 into p2 into p3 up to so on pn. Where p1 is less than p2, less than p3, less than p4 up to so on pn. For example, consider x is equals to 30. So 30 can express in prime factorization. 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. So 30 is equals to 2 into 3 into 5. Ye 30 ki humare paas prime factorization aa gayi. 4. So main exercise ki taraf chalta hu. Exercise first question. First question is, express each number as a product of its prime factors. First question, first part, 140. 140 को express करना है prime factorization में. 140, 2, 70, 2, 35, 5, 7, 7, 1. 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1. So 140 is equals to 2 into 2 into 5 into 7. So 140 is equals to 2 power 2 into 5 into 7. तो ये 140 को एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टर्स में. Next 156. So 156 is equals to 2 से डिवाइड करेंगे तो 78, 2 से डिवाइड करेंगे तो 39, 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1. So 156 is equals to 2 into 2 into 2 into, तो हमारा 2 यहां पे 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 13, 3 into 13. तो ये क्या आ गया 156 is equals to 2 power 2 into 3 into 13. ये हमारी 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. नेक्स्ट हमारा 3825 को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है. 3825 हमें देखना है कि ये डिवाइड कैसे होगा. तो इसका सम करेंगे 5 2 प्लस 8 तो प्लस 3 18 हो गया. हमें पता है कि जब भी हम ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करने के लिए हम उनका सम चेक करते थे. क्या सम हमारा 3 से डिवाइड है, 18 3 से डिवाइड होता है. तो सो 3 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, फिर 2, फिर किस पे जाएगा तो हमारा यहां पे कितना रह गया तो 2 रह गया. तो हम किस पे जाएगा 3 7 जा और फिर 5 पे. फिर हम किससे करेंगे 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, फिर 3 से हो रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 टू 5. अब किससे जाएगा हमारा 3 से तो नहीं हो रहा, 5 से जाएगा. तो 5 8 जा और 5 8 जा 5 5 जा, फिर हमारा किससे जा रहा है ये 5 से, 5 1 जा 5, कितना रह गया आपका यहां पे 3, 3 से करेंगे तो 35, तो 17 into 17 into 1, तो आपका क्या आ जाएगा 3825 is equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 17. तो ये क्या आ जाएगा 3 power 2 into 5 power 2 into 17. ये हमारी 3825 की prime factors आ गए. Next question, second question, find LCM and HCF of
pairs of integer and verify. बच्चे जब भी हम pairs of integers a and b two numbers हैं, let a and b two numbers, two positive integers. हमें इनका LCM फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है. LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मैं लेट कर लेता हूं L, इसका H, और यहां पे हमारी स्टेटमेंट है कि वेरीफाई करनी है हमें LCM इंटू HCF इज इक्वल टू हमारा होता है A इंटू B. जब भी हम कोई भी दो नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. सो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 26, टू नंबर्स है 26 एंड 91. सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 की, तो 26 टू 13, 13 वन, और 91 की करेंगे बच्चे तो 91 स्टार्टिंग करेंगे तो 7, 13, 13, 1. सो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच सी एफ. तो एच सी एफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा एच सी एफ निकालने का क्या होता है बच्चे, हम कॉमन देखेंगे क्या है. 13 हमारा कॉमन है तो 13 हमारा HCF आ गया. LCM निकालना है तो LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. पहले तो कॉमन लिख लेंगे बच्चे, 13 कॉमन आया था और जो रिमेनिंग है 2 एंड 7, तो ये हमारी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13, 14 और 13 की प्रोडक्ट करता हूं तो 13 फोर जा 3 से, 3 फोर जा 12, 3 वन जा 3 और 4 इंटू 14, ये आपका आ गया 281, तो हमारा 182 आ गया. अब वेरीफाई करना है तो हमारी वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा 91 इंटू 26 इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई करता हूं आपके सामने, 91 इंटू 26 6 96 जा 54, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये आपका आ गया 6 6 8 5 8 5 13, और यहां पे 2 2 3 6 6. और अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चे, हमारा 13 HCF आया था और LCM की LCM 182, तो 182 इंटू 13 तो 6, फिर करेंगे तो 3 2 जा 6 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 5, अब करेंगे इंटू 182, ये 6 6 और यहां से 3 2, ये भी हमारा कितना आ गया 2 3 6 6. क्या 2 3 6 6 2 3 6 6 के इक्वल होता है, यस. सो वेरीफाई द रिलेशन. नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू पार्ट्स आप सिमिलर ऐसे ही रिलेशन और LCM HCF फाइंड आउट करके निकाल सकते हो. अब मैं चलता हूं थर्ड पार्ट की, थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ प्राइम फैक्टर्स. अब बच्चे थ्री नंबर्स दे दिए, A इज इक्वल टू गिवन है 12, B इज इक्वल टू गिवन है आपका 15 और C इज इक्वल टू गिवन है 21. और इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखना बच्चे, इसमें A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू LCM इंटू HCF नहीं होता आपका, ये कभी भी नहीं होता. थ्री नंबर्स के दो नंबर का केस होता है तो ये वेरीफाई कर जाती है, लेकिन तीन नंबर वाले में नहीं करता. तो 12 को कैसे लिखेंगे, 12 15 और आपका 21, तो 12 को 2 6 2 3 3 1, यहां पे करेंगे 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 से 5, 5 से 1, यहां पे करेंगे 3 7 और 7 1. तो हमें HCF फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और आपका 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7. तो कॉमन देखना था बच्चे, हमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 3, तो हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका HCF कितना आ गया 3. मैंने LCM के लिए बताया था पहले तो 3 को ही ले लेंगे और रिमेनिंग सारे 2 5 7, तो आपका कितना होता है 2 5 जा
तो 3 2 6 6 5 30 30 ये आपका आ गया 210, ये आपका HCF और LCM आ गए। नेक्स्ट गिवन है हमें फोर्थ क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन HCF ऑफ टू नंबर, नंबर से आपके 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM, LCM फाइंड आउट करना। तो बच्चे ये आपको A गिवन है, ये आपको B गिवन है। तो मैंने अभी बताया था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, जब भी दो नंबर का केस होता था तो ये रिलेशन होती थी हमारी। तो यहां पे पुट करेंगे HCF की वैल्यू, LCM फाइंड आउट करना, तो LCM इंटू HCF 9, A की वैल्यू 306 एंड 657। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 और इसको सोल्व आउट कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है सेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6n क्या आपका कभी भी एंड करेगा 0 के साथ, ठीक है। हम लेट कर हम करेंगे बोलेंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर n इट एंड विद डिजिट 0 0, सो इट डिवाइडेड बाय 2 and 5, सो 6n कंटेन फैक्टर 5, ठीक है। तो 6n को कैसे लिख सकते हैं 3 into 2 power n, और इसको कैसे लिखते हैं 3 power n 2 power n। हम देखेंगे कि हमने बोला कि जब भी हमारा एंड करेगा 0 के साथ, कोई भी नंबर 10 है 0 के साथ एंड कर रहा तो 2 into 5 होता है, तो क्या ये किससे डिवाइड करता है, 5 से और 2 से डिवाइड करता है। इसके अंदर 2 पावर तो कंटेन है लेकिन 5 पावर ये कंटेन नहीं कर रहा, सो 6n नॉट कंटेन फैक्टर 5, सो इट नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन था, मैं दोबारा बता देता हूं, कहता है कि 6n कभी भी क्या 0 के साथ एंड करेगा, 6n क्या होता है आपका 6 होता है, 6n2 क्या होता है 36 होता है, 6n3 क्या होता है 216 होता है, ऐसे ही इंक्रीज करते जाएंगे। n की वैल्यू आपकी गिवन है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो लास्ट, क्या ये कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड करेगा, हमने बोला कि जब भी ये 0 डिजिट के साथ एंड करेगा तो ये डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा 2 और 5 से 2 एंड 5 से, सो ये कंटेन करेगा, 2 तो कंटेन कर रहा है और 5 भी कंटेन करेगा, 5 का फैक्टर जरूर आएगा यदि एंड करेगा तो, लेकिन ये तो 5 का फैक्टर तो इसके अंदर है ही नहीं, 3 और 2 का ही फैक्टर है तो ये कंटेन नहीं करता 5 का फैक्टर, तो नेवर एंड विद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन, सिक्स्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे एक्सरसाइज, एक्सप्लेन वाई 6 6 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स, क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर है हमें चेक करना है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी बच्चे, जो 1 से डिवाइड करता हो, इटसेल्फ डिवाइड करता हो और एक नंबर से और डिवाइड करता हो। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो ये दो नंबर्स हैं हमारे, दो पार्ट हैं क्योंकि हमें बोध मास पता है। अब दोनों से 13 कॉमन ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा 77, इसको प्लस क्या आ जाएगा आपका 1, तो यहां क्या आ गया आपका 13 into 78 आ गया। तो ये तो हम इजीली लिख सकते हैं, ये 13 से भी डिवाइड करेगा,
78 से भी डिवाइड करेगा और 1 से भी डिवाइड करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट सेम सिमिलर, इन दोनों दो नंबर, ये एक नंबर, ये एक, ये दो पार्ट है, तो इसमें से 5 को मैं लेता हूं, तो ये आपका क्या आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारी 5 इंटू, अब करते हैं 7, इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, 3 टू 6 6 36, तो ये हो गया। अब 7 4 का कितना होता है आपका 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 8 3 24 और 4 28 2 से करेंगे 36 2 72, ये हमारा 820 और ये क्या आ जाए 9 और 10 1, ठीक है 1008 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 1009, और 5 से भी डिवाइड करता है, 1019 से भी होगा और 1 से भी होगा, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो बोथ हमारे क्या हुए, कंपोजिट नंबर्स हुए। सिक्स्थ क्वेश्चन था ये, लास्ट क्वेश्चन एक और है आपका, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, सपोज दे बोथ स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट एंड सेम टाइम अगो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब कहता है कि सोनिया टेक्स 10 मिनट्स फॉर 1 राउंड, रवि टेक्स 18 मिनट्स सॉरी रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर 1 राउंड। अब कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट्स एट स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमें दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। फर्स्ट राउंड मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, ये राउंड है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, आफ्टर 12 मिनट्स रवि यहां पे होगा, और आफ्टर रवि यहां पे होगा 12 मिनट्स के बाद एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, दे स्टार्टेड विद सेम, और तो मैंने लेट कर लिया, सोनिया यहां पे होगी, रवि यहां पे होगा आपका, और नेक्स्ट फिर 6 मिनट 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, तो 6 मिनट के बाद अब ये 12 मिनट्स ले रहा तो हाफ कंप्लीट कर लेगा, तो यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट फिर करेंगे तो दोनों का मेरे को एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 आपको फाइंड आउट करना आता है, 18 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 12 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 9 3 3 3 1 2 से 6 2 से 3 आप करेंगे तो 3 से 1, सो एलसीएम इज इक्वल्स टू, मैंने बताया था बच्चे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सप्रेस कर लेंगे, 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, पहले कॉमन लेंगे बच्चे 3 और एक 2 कॉमन आपका, तो लिख देंगे 2 इंटू 3, अब रिमेनिंग को लिख देंगे 2 इंटू 3, तो आपका कितना आ जाएगा 36, तो आफ्टर 36 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से फिर मीट कर जाएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज थी 1।